हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मनजीत सिंह। तो अभी समय हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन लगा रहे हैं और इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, तो चलिए लगाते हैं। बाकी ये चैप्टर काफ़ी इस चैप्टर को जो मैंने दो तीन वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का, e की पावर x इंटू साइन एक्स, e की पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन वहां पे क्या था, ये यहां पर डिफिनिट इंटीग्रेशन में दिया गया है। वहां पर क्या था, जीरो से पाई बाई टू ये वैल्यू नहीं दिया गया था, बाकी ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। मैं हमेशा क्यों एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग पहले पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि यही वही सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। केवल लास्ट में क्या होता है, लोअर लिमिट में से अपर लिमिट को घटाना पड़ता है वैल्यू एक्स का रख करके, बस। बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको आपको रिवाइज हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लेंगे सेकेंड फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का यानी मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देंगे। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन पहले लिख लेंगे e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। बात समझ में आई, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर x साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक है। क्या होता है, माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx, तो हो जाएगा माइनस e की पावर x कॉस x माइनस माइनस प्लस e की पावर x इंटू कॉस x डी एक्स माइनस e की पावर x कॉस x प्लस। अब यहाँ पे देखिए, जैसे e की पावर x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन था वैसे ही e की पावर x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन आ गया, तो यहाँ भी वही नियम लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। यहाँ भी आप मल्टीप्लीकेशन का नियम लगा देंगे जैसे आपने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को लगाते समय। तो क्या नियम मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और ब्रैकेट लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट बंद और डीएक्स लगा देंगे। तो माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा और cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा dx। तो देखा जाए तो फिर आपका वही आ गया जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x e की पावर x इंटू साइन x, वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो अब फिर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे फिर ये आ जाएगा, तो ये आपका कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप क्या काम करेंगे, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x इंटू साइन x या e की पावर x इंटू कॉस x का करना हो तो आप उस क्वेश्चन को आप मान लेंगे i, हमेशा i इज इक्वल टू मान लेंगे, i इज इक्वल टू ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर x कॉस x प्लस e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, इसको क्या लिखेंगे i, और माइनस i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i।
ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ये लिख लीजिए, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए लिमिट जो है आपका लगा लीजिए, जीरो से पाई बाई टू दिया गया है ना ये, तो जीरो से पाई बाई टू लास्ट में लगा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, वैसे नियम तो ये है कि आप यहाँ पे लगाते चलेंगे, जीरो से पाई बाई टू ठीक है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू एक बार पाई बाई टू रखेंगे फिर उसमें जीरो रख देंगे, तो e की पावर पाई बाई टू अपान में टू साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू। अब इसमें से घटाएंगे, क्या लिखेंगे, e की पावर x, x का वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो बाई टू साइन जीरो डिग्री माइनस कॉस जीरो डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा ई की पावर पाई बाई टू अपान में टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, और कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, माइनस ई की पावर जीरो, किसी भी संख्या पे जब पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है, तो क्या बचेगा आपका, ये वन बाई टू, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है माइनस कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू ई की पावर पाई बाई टू अपान में टू इन टू, वन में जीरो घटाएंगे तो वन ही बचेगा, माइनस जीरो में से वन घटाएंगे तो माइनस वन बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू। इसे आप क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू कॉमन ले लीजिए, ई की पावर पाई बाई टू प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यूपी बीटी के सिलेबस में अगर देखा जाए डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए तो 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगाने से क्या होता है ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे से और जल्दी समझ में आने लगते हैं फिर, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। कॉस लॉग एक्स अपान एक्स ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया जाता है उसको टी मान लेते हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है क्वेश्चन में दिया गया है तो लॉग एक्स को हम टी मान लेंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन में लॉग लिखा हो या यूनिवर्स वाले कोई भी फंक्शन लिखा हो तो उसको हम क्या मानते हैं, टी, तो यहां पर आप लॉग एक्स को टी मान लीजिए, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स को आपने टी मान लिया अपान में एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू हमेशा हम यहीं से निकालेंगे जहां पर लेट किए हुए हैं माने हुए हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपान में डी एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी एक्स अपान में एक्स,
सॉरी dx का वैल्यू हम निकालेंगे x इंटू डी टी। तो यहाँ पर dx के स्थान पे हम लिखेंगे x इंटू डी टी, x से x कैंसिल हुआ, क्या बचेगा आपके पास cos t इंटू डी टी। यहाँ पर लिमिट का वैल्यू भी दिया गया, उसको भी देख लीजिए कितना दिया गया है, एक से लेके तीन, 1, 2, 3 दिया गया है। अब देखिए ये x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3 दिया गया, जब मैंने इसको t में चेंज कर दिया तो इसको अब t का वैल्यू निकालना होगा, कि जब x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 3 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपने क्या माना है, t इज इक्वल टू log x, इफ x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू log x, x के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, तो t इज इक्वल टू log 1 का वैल्यू होता है 0, यानी कि जब x का मान 1 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इफ x इज इक्वल टू 3, जब x का वैल्यू 3 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 3, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे log 3। अब cos t, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, ठीक है, क्या होता है sin t, 0 से log 3। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, तो एक बार आप क्या करेंगे t के स्थान पे क्या लिखेंगे log 3 माइनस sin 0 डिग्री, तो क्या बचेगा आपका साइन log 3, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यही आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन लगाते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स, 0 से लेके 1 तक वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन में लॉग का फंक्शन हो या टेन इनवर्स या कोई भी इनवर्स का फंक्शन हो उसको हमेशा टी मानते हैं, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स दिया गया है तो इसे हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। देखिए ये सब क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वाले पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, वही क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, तो क्या हो जाएगा आपका ये टेन इनवर्स को आपने t मान लिया अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन में डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 + x² डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x² इंटू डी टी, तो यहाँ डी एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे आप 1 + x² इंटू डी टी, तो 1 + x² से 1 + x² क्या होगा कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बचेगा आपके पास केवल टी का इंटीग्रेशन बचेगा आपका, लिमिट और निकाल लीजिए आप, कैसे निकालेंगे देखिए, आपने टी इज इक्वल टू क्या माना हुआ है टेन इनवर्स एक्स, जब इस एक्स का वैल्यू 0 है तो टी का वैल्यू क्या होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे 0 लिखेंगे, t इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यहां पे क्या लिख देंगे आप 0। इफ x इज इक्वल टू 1 तो t इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, x के स्थान पे 1, t इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, 1 का वैल्यू कितना होता है π/4। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप वैल्यू लिख लेंगे, वैसे इसका भी मैं एक अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको यही सारा सब कुछ वैल्यू बताऊंगा कि कैसे आप याद करेंगे, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, टेन इनवर्स π/2 का वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स
टेन जीरो डिग्री टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, वो सारा सब कुछ वैल्यू जितना भी है वो सब कुछ मैं अगले वीडियो में ही आपको बताने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका ये पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर। अब आप टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर वन है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यानी टी की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो टी की पावर दो हो जाएगा बाई टू, जीरो से पाई बाई फोर। अब आप टी का वैल्यू एक बार पाई बाई फोर में से जीरो को घटा के रख देंगे तो टी का वैल्यू पाई बाई फोर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई फोर का स्क्वायर सोलह, बाई टू है आपका ये बाई टू माइनस। अब आप क्या क्या कम करेंगे कि टी के स्थान में क्या लिखेंगे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई सोलह दुना बत्तीस और ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें सब कुछ बताऊंगा, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आपका जैसे टेन इनवर्स वन का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, वो सब कुछ कैसे याद करेंगे, वो सब भी तरीका मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में आपको।